शंकर के वालिद के गुजरने के बाद पूरे खानदान की जिम्मेदारी उस पर आ गई, इसलिए उसे पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करनी पड़ी। शंकर का एक छोटा भाई था शशांक। ये लो तुम्हारी फीस के रुपए। भाईजान, स्कूल जाना जरूरी है क्या? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मैं स्कूल छोड़कर कोई काम ढूंढ लूं, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, अगर तुम नहीं पढ़ पाए तो मैं अब्बू को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं अपने छोटे भाई को पढ़ा भी नहीं पाया। तुझे पढ़ना होगा और बहुत रुपए कमाने होंगे, समझा? जी भाईजान। शशांक अक्सर सोचा करता था कि कैसे वो अपने बड़े भाईजान की मदद करे और कैसे वो पैसे कमाए। अम्मी, ऐसा कोई काम नहीं है क्या जो मैं कर सकूं? लेकिन तुझे काम क्यों करना है? भाईजान दिन भर मजदूरी करते रहते हैं, काश मैं उनकी मदद कर पाता। जरूर करेगा, खुदा ने चाहा तो तू उसकी मदद जल्दी ही करेगा। फिलहाल तू बस पढ़ाई पर तवज्जो दे, बाकी खुदा से दुआ कर। शशांक हमेशा खुदा से यही दुआ करता। भगवान जी, मेहरबानी करके कुछ ऐसा कीजिए कि मैं अपने भाई की मदद कर सकूं। मेहरबानी कीजिए भगवान जी। और एक दिन खुदा ने शशांक की दुआ कबूल कर ली। शशांक जब स्कूल से अपने घर लौट रहा था तो उसका ध्यान नहर पे गया, जहाँ एक कुत्ते का पिल्ला डूब रहा था। शशांक को उस पर रहम आ गई और शशांक खुद नहर में उतर कर उस पिल्ले को नहर से बाहर निकाल कर ले आया। दोस्त, नहर में वापस मत जाना, वरना फिर से पानी में डूबने लगोगे। उस पिल्ले को नहर के किनारे पर छोड़कर शशांक आगे बढ़ने लगा। तभी उसे पिल्ले की भौंकने की आवाज सुनाई दी और वो पीछे मुड़ा। क्या हुआ दोस्त? वो पिल्ला उसके मुंह में एक गुड़िया पकड़े हुए था। शशांक उस पिल्ले के नजदीक गया। ये क्या, मैंने तुम्हारी जान बचाई, इसके बदले में तुम मुझे ये तोहफा देना चाहते हो क्या? ठीक है, मैं इसे कबूल कर लेता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। शशांक ने बड़े प्यार से पिल्ले को सहलाया और फिर वो गुड़िया लेकर घर की तरफ चल पड़ा। शशांक उस खेत में जाता है जहाँ शंकर मजदूरी करता है। शंकर अपने काम में मशरूफ रहता है और शशांक वहीं उसका इंतजार करने लगता है। शशांक बोरियत महसूस कर रहा था, वो गुड़िया से बातें करने लगा। हेलो, काश तुम एक जादुई गुड़िया होती तो तुम मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर देती। मुझे इस वक्त बहुत भूख लगी है, खाना चाहिए, काश तुम मुझे खाना दिला पाती। और बस तभी शशांक के सामने खाने के ढेर सारे पकवान हाजिर हो गए। शशांक को यकीन नहीं हुआ, वो अपनी आंखें मसलने लगा। ये क्या, इतने पकवान कहाँ से आए? तू कहीं से चोरी करके लाया है क्या? नहीं भाईजान, बिल्कुल नहीं, ये खाना ये गुड़िया लाई है। क्या बकवास कर रहे हो? जी भाईजान, ये कोई मामूली गुड़िया नहीं बल्कि जादुई गुड़िया है। मैं जब स्कूल से लौट रहा था तभी मुझे। शशांक ने अपने बड़े भाई को गुड़िया की पूरी कहानी सुनाई। अभी मैंने इससे कहा कि मुझे भूख लगी है और देखिए कितना ढेर सारा खाना आ गया। मुझे तुम्हारी बात पर जरा भी यकीन नहीं है, एक काम कर, इस गुड़िया से पैसे मांग कर देख। ठीक है भाईजान, गुड़िया मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए। और दोनों भाइयों के सामने नोटों की गड्डियां आ गई। दोनों हैरान थे। ये तो सच में जादुई गुड़िया है, मैंने आपसे कहा था ना भाईजान। वो नोट हवा में उड़ाने लगे और तभी खेत में काम कर रहे बाकी लोगों का ध्यान उस तरफ गया। भाईजान नोट उड़ रहे हैं भाईजान। अरे नोट की फिक्र छोड़ और गुड़िया उठाकर जल्दी से निकल, जल्दी चल इससे पहले कि कोई देख ले, चल चल यहाँ से निकल। शशांक और शंकर दोनों अपने घर की जानिब दौड़ पड़े। खेत के मजदूर उन रुपयों को जमा करने में जुट गए और जब सारे नोट खत्म हो गए तब। आखिर इन दोनों के पास इतने रुपए कहाँ से आए? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, शंकर के छोटे भाई ने उस गुड़िया से खाना मांगा और पल भर में ढेर सारा खाना आ गया और फिर जैसे ही पैसे मांगे तो इतने सारे नोट आ गए। मतलब वो गुड़िया जादुई है? हाँ। हमें वो गुड़िया उन दोनों से हासिल करनी होगी। हाँ हाँ हाँ, जरूर लेनी होगी, चलो मेरे साथ। शशांक और शंकर अपने घर के नजदीक पहुँच जाते हैं। मुझे लग रहा है कि गुड़िया के बारे में गाँव वालों को पता चल गया है। तो अब क्या करें? तू इस गुड़िया को इस पेड़ पर छुपा दे, हम बाद में आकर इसे ले जाएंगे। ठीक है। शशांक ने वो जादुई गुड़िया उस पेड़ पर बांध दी और वो अपने भाई के साथ घर में दाखिल हुआ। उनके पहुंचते ही कि सारे मजदूर उनके घर पर पहुंच गए। वो जादुई गुड़िया हमें दे दो। कौन सी गुड़िया?
वही गुड़िया जो तुम्हारा छोटा भाई लेकर आया था। उसके पास कहाँ से आएगी गुड़िया? झूठ मत बोलो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि उसने जादुई गुड़िया से खाना मांगा और खाना आ गया, फिर पैसे मांगे और पैसे आ गए। ऐसा थोड़े ना हो सकता है, लगता है तुम लोग नशे की गफलत में हो। नशे वशे की बातें छोड़ दो और वो गुड़िया हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारा भाई और माँ जिंदा नहीं रहेंगे। एक मजदूर ने शशांक को पकड़ लिया और दो मजदूरों ने उनकी माँ को। अब शराफत से वो गुड़िया देता है या तेरे भाई की गर्दन मरोड़ दूं? मैं सब बताता हूँ, पहले तुम लोग मेरी अम्मी और मेरे भाई को छोड़ दो। मजदूरों ने दोनों को छोड़ दिया। माँ और शशांक दोनों रो रहे थे। घर आते वक्त मैंने और शशांक ने वो गुड़िया घर के बाहर वाले पेड़ पर छुपा दी थी। ये हुई ना बात, मैं वो गुड़िया लेकर आता हूँ। एक मजदूर जैसे ही घर के बाहर आया तो उसके चीखने की आवाज आने लगी। बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। सब लोग बाहर पहुंचकर हैरान हो जाते हैं। पेड़ पर काफी तादाद में गुड़िया लटकी हुई थी। ये क्या, इनमें से वो वाली गुड़िया कौन सी है? मुझे क्या मालूम, तूने देखी थी ना? लेकिन ये तो सब एक जैसी दिख रही हैं। अब क्या करें? सभी गुड़िया को जांच कर देखते हैं कि कौन सी गुड़िया जादुई है जो हमारी ख्वाहिशें पूरी कर सके। मजदूरों ने सारी गुड़िया पेड़ से नीचे उतार ली और तुरंत पेड़ पर और सारी गुड़िया आ गई। उन सभी गुड़ियों ने मजदूरों को घेर लिया। बचाओ बचाओ, हमें बचाओ। तुम सबके साथ ऐसा ही होना चाहिए। सारी गुड़िया मजदूरों को मारने लगी और मजदूर यहाँ वहाँ भागने लगे। बचाओ बचाओ। सभी मजदूर वहाँ से भाग खड़े हुए और फिर सारी गुड़िया एक ही गुड़िया में समा गई और वो शशांक के हाथ में आ गई। मेरी प्यारी जादुई गुड़िया। शशांक उस गुड़िया को चूम कर बोलता है, जादुई गुड़िया मेरे इस घर को हवेली में बदल दो और इसे धन दौलत से भर दो। शशांक के इतना कहते ही वो छोटा सा मकान एक बड़ी हवेली में तब्दील हो गया। सब लोग बहुत खुश थे। तीनों लोग जब हवेली के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने अंदर देखा सोना चांदी और अनाज भरा हुआ था। खुदा ने तेरी दुआ सुन ली, अब तेरे भाई को मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आई लव यू जादुई गुड़िया। एक गांव में शंकर अपनी छोटी सी बेटी राखी के साथ रहता था। शंकर एक गरीब किसान है, उसकी मूछें नहीं है। शंकर का पड़ोसी महिपाल भी किसान है, लेकिन उसके पास ज्यादा खेत है तो वो नौकर रखता है। महिपाल की भी एक छोटी बेटी है जिसका नाम है रचना। रचना बहुत ज्यादा मगरूर है। राखी स्कूल जा रही है, तभी रास्ते में उसको रचना भी स्कूल जाते हुए दिखती है। ओहो, ये गरीब लोग भी न जाने सुबह सुबह कहां से मेरे सामने आ जाते हैं और मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। तुम दूसरे रास्ते से जाया करो। क्यों, मैं दूसरे रास्तों से? मेरे अब्बा इस गांव के सबसे बड़े किसान हैं और सब उनकी इज्जत करते हैं, और तुम्हारे अब्बा की तो मूछें भी नहीं है और उनसे तो कोई बात भी नहीं करता। सब लोग उन्हें अपने पास से भगा देते हैं। राखी इस तौहीन से बेहद गमजदा हो गई है और वो स्कूल भी नहीं गई। वहाँ से वापस अपने घर आ गई, जहाँ शंकर खाना पका रहा है और खेत जाने की तैयारी कर रहा है। क्या हुआ मेरी शहजादी को? अब्बा, हम इतने गरीब क्यों हैं? किसने कहा बेटी कि हम गरीब हैं? अब्बा सब कहते हैं कि हम गरीब हैं। अगर हम गरीब नहीं हैं, तो गांव का कोई भी शख्स आपसे ठीक से बात क्यों नहीं करता? बेटी, गरीब वो होता है जिसकी थाली में रोटी ना हो, लेकिन खुदा ने हमें दो जून की रोटी तो दी है। तुझे स्कूल में तालीम मिल रही है, हमें और क्या चाहिए बेटी? ठीक है, मैंने मान लिया कि हम गरीब नहीं हैं, लेकिन आपकी मूछें क्यों नहीं है? मुझे मालूम है कि तुमको जरूर रचना ने कुछ बोला होगा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे सिर्फ आपके चेहरे पर मूछें दिखनी चाहिए ताकि बाकी गांव वाले भी आपकी इज्जत कर सके। ये क्या पागलपन की बातें कर रही हो, ऐसे थोड़ा ही होता है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस आज शाम को ही आपके चेहरे पर मूछ दिखनी चाहिए, नहीं तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? शंकर बहुत मायूस हो जाता है और अपने खेत पर चला जाता है।
बेटी की बात सुनकर आज शंकर का मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा है। उसे राखी की बात बार बार याद आ रही है। इसीलिए वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मैं अपनी नन्ही सी शहजादी को कैसे बताऊं कि मैं कितना गरीब हूं, कि मैं मूछें नहीं रख सकता, क्योंकि ये गांव इस बात को मंजूर नहीं करेगा। और अगर आज मूछ नहीं रखी तो वो खाना नहीं खाएगी, मूछों को अगर बढ़ाऊं तो एक दिन में तो आएगी नहीं। या अल्लाह, तूने मुझे किस उलझन में फंसा दिया, अब मैं क्या करूं? इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं, लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी बेटी का ख्याल कौन करेगा? शंकर सवालों के जाल में उलझता है और बेफर कर रो रहा है। रोते रोते कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता और वो सो जाता है। कुछ देर में पेड़ के नीचे भी धूप आ जाती है और उसकी आंखें खुल जाती है। शंकर के चेहरे पर कुछ वजन ही लगता है। वो हाथ लगाकर देखता है तो हैरत में पड़ जाता है, क्योंकि शंकर के चेहरे पर जादुई मूछें लग चुकी हैं। मेरे चेहरे पर मूछ कहाँ से आ गई? कहीं से यह राखी की शरारत तो नहीं? हो सकता है कि वो आसपास ही कहीं छुप कर बैठी हो। मैं मूछें खींच कर देखता हूँ। राखी ने जरूर इनको फेविकोल से चिपकाया होगा, फिर इस राखी की खबर लेता हूँ। शंकर अपनी मूछें खींच कर देखता है तो वो मूछें बाहर नहीं आती, बल्कि उससे सोने के सिक्के झड़ने लगते हैं। ये क्या है, ये तो कमाल हो गया। या अल्लाह, मैं तो माला माल हो गया, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। तभी पेड़ से एक देवी निकल कर आती है। वत्स, मैं दौलत की देवी हूँ और ये जादुई मूछे हैं। अब तुम भी नकली दौलतमंदों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो और बता सकते हो कि मूछे रखने या ना रखने का ताल्लुक पैसों से नहीं है, बल्कि अपनी शौक से है। तुम अपनी मूछों से हर रोज 100 सोने के सिक्के निकाल सकते हो। बस तुमको मूछों को थोड़ा सा खींचना है और सिक्के नीचे बिखर पड़ेंगे। दौलत की देवी वहां से गायब हो जाती है और शंकर सारे सिक्के उठाकर अपने घर की ओर चलता है। शंकर घर जा रहा है तभी रास्ते में उसे महिपाल मिल जाता है। अरे शंकर, लग रहा है तुम पागल हो गए हो। क्यों महिपाल भाईजान, हमें तो लग रहा है कि आप पागल हो गए हो। तू मेरा मखौल उड़ा रहा है क्या? तुझे इतना भी नहीं मालूम कि मैं दौलतमंद काश्तकार हूँ और तू मेरे सामने मूछे नहीं रख सकता? खुदा बड़े बोल ना बुलवाए, लेकिन भाईजान वक्त सबका बदलता है। और ये देखो, मेरे पास अब 100 सोने के सिक्के हैं। अगर तुम्हारे पास है तो दिखा दो। महिपाल वहां से खामोशी से चला जाता है और शंकर अपने घर पहुंचकर सारा वाक्या अपनी बेटी को बताता है और उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती है। शंकर अब हर रोज अपनी मूछों से रोज सोने के सिक्के निकालने लगता है और देखते ही देखते वो सिर्फ गांव का नहीं पूरे इलाके का दौलतमंद शख्स बन जाता है। उसने एक आलीशान हवेली बना ली और नौकर रख लिए। राखी भी अब सहजादी बन के रहने लगी। शंकर आज सुबह सोकर उठा तो उसकी मूछें गायब हो गई और फिर दौलत की देवी प्रकट हुई और शंकर को बताया कि अब मूछों को उसके पास रखने का वक्त पूरा हो गया है। शंकर की हवेली में आज कुछ लोग आने वाले थे। शंकर, तुम इस इलाके के सबसे दौलतमंद शख्स हो, फिर तुमने मूछें क्यों कटवा दी? मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे आप सबने मिलकर बरसों तक मेरा इस्तेमाल किया और मुझे कभी मूछ रखने का हक नहीं दिया क्योंकि मैं गरीब था, लेकिन मूछें किसी का शौक हो सकती है, उसकी औकात नहीं। और हाँ, किसी की भी हैसियत को उसकी मूछों से नहीं तोलना चाहिए। सब मिलजुल कर रहो और खुश रहो। इस तरह गांव में ऊंच नीच का भेदभाव मिट जाता है और फिर बिना मूछ के लोग भी अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं।